अमाउंट का ये प्रोजेक्ट है और इतने टाइम के अंदर डिलीवर किया जाएगा, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है और ये एक्सपेंसेस हमने करने हैं, मार्केटिंग में, सेल्स में, एडवर्टीजमेंट में इनको डिलीवर करना है। सो दैट वे द मेन थिंग इज कस्टमर इज सेफ इन दिस काइंड ऑफ न्यू पॉसिबिलिटी, कस्टमर इज सेफ। इंडिया में जो कुछ कमिटेड बिल्डर्स हैं वो भी आज के डेट में इनिशिएट कर रहे हैं अपने साथ जॉइंट वेंचर्स के लिए एफडीआई फंड, सो दैट जो लोग यहाँ पर इंडियन मार्केट में कुछ ज्यादा पैसे पे, ज्यादा बोली से इंटरेस्ट पे या ज्यादा जो इन्वेस्टर के साथ उनको प्रॉफिट शेयर करना होता है, अगर वो यहाँ इंडियन मार्केट में कहीं स्ट्रगल करे तो आज उनके पास एक अनदर ऑप्शन है। क्योंकि अगर कोई भी शुद्ध हिंदी में बोले, कोई भी गोरा अगर इन्वेस्ट करेगा इंडिया में और मैं उनको बोलने वाला हूँ कि आपको मैं 30% का प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आपको मनी रिटर्न करूंगा, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर बिकॉज दे विल सी समथिंग इज रॉन्ग इन इट। 30% रिटर्न आर नॉट पॉसिबल एज पर देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, एज पर देयर एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, दे यूज टू थिंक दैट 12% इज मोर देन इनफ। 12% भी हमें अगर प्रॉफिट मिला तो वो हमारा वैल्यू फॉर मनी है। सो काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के डेट में इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के। सो थ्रू एफडीआई बहुत सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके कुछ स्टैटिक्स हैं जो आपके साथ हमने शेयर किए। सो नाउ द मेन थिंग इज वो मनी पूलिंग अगर होगा किसी भी इंडस्ट्री को, तो वो मनी पूलिंग होगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो या तो सेल्स प्रोफेशनल्स में होगा या जो ऑपरेशंस में बिजी है उनमें होगा, मैन पावर मैनेजमेंट में होगा या प्रोजेक्ट में होगा, या फिर वो मनी पूलिंग होगा आपके बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए जो एप्रिशिएशन लेकर यहां से जाना चाह रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए दिल्ली एनसीआर का जो प्लानिंग है, अगर इंडिया में 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट होना विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, सो ऑलमोस्ट 50-53% अकेला दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्ट होना है। मैं राजीव ट्रॉय, वन पर्टिकुलर सिंगल बॉडी फॉर दिल्ली एनसीआर फॉर लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग and all the states are going to share revenue together, but बड़े स्मूथ ऑपरेशंस के लिए उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर किया है। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस NH1, देर इज वन प्लेस कॉल्ड कुंडली। कुंडली से स्टार्ट हुआ है एक एक्सप्रेस वे, वो जाएगा कुंडली से मानेसर, मानेसर से फिर पलवल। सो पलवल NH8 पड़ता है, पलवल NH2 पड़ता है, तो वो दो तीन नेशनल हाईवेज को वो जोड़ रहा है, NH1, NH8 मानेसर एंड NH2 इज दिस पलवल, ये आगरा वाला जो हाईवे है। सो तीन हाईवेज से वो एक्सप्रेस पेरिफेरल वो जोड़ दिया गया है, जिससे कि जितना भी ट्रैफिक है बाहर के बाहर रूट करेगा। नाउ इधर से कुंडली, गाजियाबाद, अगेन पलवल, तो KGP, ये एक ऐसा एक्सप्रेस पेरिफेरल बनाया जा रहा है जिस पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है और KMP का थोड़ा फास्ट है, KGP में थोड़ा सा प्रॉब्लम था इधर अपने यूपी में लैंड एक्विजिशन वगैरह में। इनका कमिटमेंट है विद इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पेरिफेरल वे। इसके अंदर का जितना भी एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड, वो ऑक्ट्रॉय के लिए, टैक्सेशन के लिए, सब चीजों के लिए जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको एक ही एक बॉडी कंसिडर करेंगे, सारा रिवेन्यू शेयर करेंगे जितने भी स्टेट्स हैं। जैसे इसमें दिल्ली एक स्टेट हो गया, हरियाणा एक स्टेट हो गया, यूपी एक स्टेट हो गया, ये तीन स्टेट मिलकर अपने रिवेन्यू शेयर करेंगे और उसी डेवलपमेंट में वो यूटिलाइज करेंगे। जो भी आज बेसिक एमिनिटीज आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर में, जैसे नोएडा में आप देखेंगे या ग्रेटर नोएडा में देखेंगे, कंपेरेटिवली दिल्ली के बहुत सारे जो पोश एरिया है उनसे भी कंपेरेटिवली बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। कहां पर हॉस्पिटल्स होंगे, कहां पर स्कूल्स होंगे, एवरीथिंग इज प्लान्ड। कहां पर गोल्फ कोर्स होंगे, कहां पर पार्क होंगे, कहां पर 5-स्टार होटल्स होंगे, कहां पर ITSEZ होंगे, सो वेल प्लान वे में थिंग्स आर कमिंग अप। नाउ अगर इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें ये पर्टिकुलर लॉबी, बिल्डर्स वाला लॉबी जो है, कितना इन्वेस्टमेंट उनके थ्रू रूट होने वाला है, वो ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्लानिंग है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स उसका ऑलमोस्ट मोर देन 50% दिल्ली एनसीआर एरिया में इन्वेस्ट होना है। दैट इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बूम कब तक रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बूम है।